आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 फिश जो आप अपने एक प्लांटेड एक्वेरियम में एज अ बिगनर रख सकते हैं। वेलकम अगेन टू एक्वास्क्वायर लैब। प्लांटेड एक्वेरियम एक बहुत ही यूनिक एक्वेरियम होता है जिसके अंदर रियल प्लांट्स रखे जाते हैं जो एक फिश को एक नेचुरल एनवायरमेंट देता है। प्लांट्स फिश को ऑक्सीजन देते हैं, फिश प्लांट्स को CO2 देता है, एक कंबाइंड पूरा एक इकोसिस्टम होता है जो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम एक्वेरियम में मेंटेन होता है एंड बहुत ही सुंदर दिखने वाला एक एक्वेरियम होता है। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो, टॉप 5 फिश फॉर प्लांटेड एक्वेरियम फॉर बिगनर्स। नंबर 5 पे है नियॉन टेट्रा। नियॉन टेट्रा एक ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन की फिश होती है। ये फिश एक सोशल फिश होती है जिसे मिनिमम एक 6 के ग्रुप में रखना चाहिए, एक बिगनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया फिश है। नंबर 4 पे है चेरी श्रिम्प। चेरी श्रिम्प्स बहुत ही सुंदर दिखने वाले श्रिम्प होते हैं जो प्लांटेड एक्वेरियम में आप रख सकते हैं। ये ग्रुप्स में होते हैं एंड सबसे बड़ी बात इनकी जो होती है वो ये कि वो आपके एक्वेरियम को क्लीन करने में मदद करते हैं। ये पूरा टाइम जो है वो लीव्स को ग्लास को क्लीन करते रहेंगे। सो एक बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये केयर करने के लिए भी बहुत आसान होते हैं, इसलिए बिगनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। नंबर 3 पे है ड्वार्फ गुरामी। ये भी एक बहुत ही सुंदर थोड़ी बड़ी दिखने वाली फिश होती है। ये भी बहुत ही अच्छी और इजी टू केयर वाली फिश होती है, प्लांटेड एक्वेरियम के लिए अंदर बहुत अच्छी लगती है और बिगनर्स के लिए भी बहुत ही इजी टू कीप फिश है। नंबर 2 पे आती है गप्पीज। गप्पीज एक बहुत ही सुंदर वैरायटी की बहुत ही इजी टू टेक केयर टाइप की फिश होती है। सबसे अच्छी चीज जो इसमें होती है कि वो ब्रीड बहुत जल्दी करते हैं, तो ये लाइव बेयरर्स होते हैं, सो ये डायरेक्टली जो है वो बच्चे पैदा करते हैं, एग्स नहीं देते हैं। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स में आते हैं, इनकी टेल बहुत सुंदर होती है। सो ये नंबर 2 पे द मोस्ट केप्ट फिश होती है प्लांटेड एक्वेरियम हॉबी में। नंबर 1 पे है बेटा फिश। ये भी एक सेंटर पीस फिश है। ये आप प्लांटेड एक्वेरियम में एक ही रख सकते हैं क्योंकि ये एक राइवल्स होते हैं, मेल के साथ मेल नहीं रखा जा सकता और मेल के साथ फीमेल भी ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, उनके बीच में ये फाइट करना शुरू कर जाते हैं। इनका नाम सायमीज फाइटर फिश भी बोला जाता है एंड वो क्यों बोला जाता है क्योंकि थाईलैंड में ये जो है वो फिश बेटिंग के काम आते थे, इन लोगों की फाइट कराते थे एंड उसके पर बेटिंग होती थी जो अब ऑब्वियसली बैन हो चुका है। बट आपके प्लांटेड एक्वेरियम में ये रखने के लिए बहुत ही सुंदर फिश है जिनका एक इनका एक प्रॉपर कैरेक्टर होता है और बेस्ट पार्ट है ये बहुत ब्यूटीफुल कलर्स में भी आते हैं।